बहुत बहुत नमस्कार उपनिषद फाउंडेशन के और सर्व समाज के हमारे सारे मित्रों को। आज हमारे आदरणीय राकेश चतुर्वेदी जी हैं, जो ब्राह्मण एकता अस्मिता सहयोग संस्कार मंच और उपनिषद फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं, और साथ के साथ आदरणीय हमारे साथ मल्हारगढ़ के श्री युवराज महाराज जी हैं। पिछली बार आपका उद्बोधन प्राप्त हुआ था, बहुत ही आनंद आया था, और हमने निवेदन किया था कि महाराज जी का हमें उद्बोधन कम से कम हफ्ते में एक बार तो मिल ही जाए, दो बार मिल जाए तो और उत्तम हो जाएगा, लेकिन कम से कम हफ्ते में एक बार मिल जाए। तो आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले मैं आदरणीय राकेश चतुर्वेदी जी से निवेदन करूंगा कि एक डेढ़ दो मिनट में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दें, उज्जैन के कार्यक्रम के बारे में थोड़ी सी नमस्कार सूचना जो है आदरणीय युवराज जी को भी दे दें, ताकि उसके बाद जो है हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। उपनिषद फाउंडेशन के माध्यम से एवं ब्राह्मण एकता अस्मिता सहयोग संस्कार मंच के द्वारा ज्ञान विज्ञान परंपरा को किस तरीके से, इस भारतीय परंपरा को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इसको जो हमने प्रारंभ किया है, इसका पहला आयोजन गीता जयंती को भोपाल में हुआ। इसके बाद में अगला कार्यक्रम हमारा छतरपुर में हुआ, और छतरपुर के बाद उज्जैन में जो कार्यक्रम हुआ, जिसमें जगतगुरु आचार्य श्री रंगनाथ तिरुपति पीठाधीश्वर कांताचार्य श्री कांताचार्य जी महाराज एवं रामानुज पीठाधीश्वर अवंतिका पीठाधीश्वर गुरुजी हमारे रंगनाथ जी महाराज जी का हमें आशीर्वचन प्राप्त हुआ। और आपको बता दें, बड़ी खुशी हुई इस बात की, क्योंकि अभी हमने दूसरा एक और कार्यक्रम अभी जैसे ही जूम पर एक मीटिंग हमारे तिरुपति पीठाधीश्वर श्री कांताचार्य जी जगत गुरु जी महाराज जी से जैसे ही उनसे बात की कि अगला कार्यक्रम हमें ज्ञान विज्ञान परंपरा को आगे बढ़ाते हुए किस तरह कैसे करना चाहिए और हर संक्रांति पर इसको किस तरीके से आगे बढ़ाएं, तो उन्होंने आमंत्रित किया है सर्व समाज को, हर जगह के लोग, कि हर संक्रांति पर उज्जैन में पीठाधीश्वर उस मंदिर पर कार्यक्रम को आयोजित करें और जिसके लिए पूर्ण व्यवस्थाएं उनके द्वारा की जाएंगी। तो इस तरीके की जहां जागृति और हमारे संत महात्माओं का आशीर्वाद यदि हमें मिलेगा, तो निश्चित है इस परंपरा को आगे बढ़ा सकेंगे। इसी के अंतर्गत आज हमारे बीच में मल्हारगढ़, जो मध्य प्रदेश का बड़ा प्रसिद्ध संस्कृत विद्यालय हुआ करता था और आज भी है, बहुत अच्छा प्राचीन विद्यालय है और वहाँ चल रहा है, उसके पीठाधीश्वर के युवराज रामचरण दास जी महाराज हमारे बीच में हैं, और मैं चाहूँगा कि हमें उनका आशीर्वचन मिले और उससे लोगों को वो प्रेरणा मिले, जिससे कि इस परंपरा से लोग जुड़ सकें और हमारा मल्हारगढ़ भी इस परंपरा में किस तरीके से हमारा सहयोग कर सकता है, उसके बारे में कृपया मुझे जानकारी देंगे, थोड़ा बड़े अति उत्तम होगा। तो आदरणीय युवराज जी, आपके सामने रामायण की वो एक चौपाई प्रस्तुत निवेदित किया गया कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। तो जब रामायण में इतनी सुंदर चौपाई है हमारे पास, तो हम विवेक और बुद्धि, ज्ञान और विज्ञान की जो हमारी परंपरा थी, हम क्यों इतने उससे विमुख होते जा रहे हैं? आदरणीय आपका इसी पर आशीष वचन। सभी के लिए जय श्री राधे, और सभी जितने भी भाई इसमें जुड़े हैं सभी का स्वागत वंदन करते हैं। और आपने जो प्रश्न रखा है, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, तो ये रामचरितमानस की बहुत ही सुंदर चौपाई है, और अधिकांश हमारे सनातन में इस चौपाई को सभी लोग जानते हैं। एक जैसे कि मंगल भवन या मंगल हरि है, एक बिनु सत्संग विवेक न हुई है, दोनों चौपाइयों को बहुत अच्छी तरह से प्रत्येक व्यक्ति तक है ज्यादातर। लेकिन इसमें बहुत सुंदर एक जहां शब्द आता है कि बिनु सत्संग विवेक न हुई, तो विवेक, और आज जो है ना, आज की जो दुनिया है, लौकिकता है, ये बुद्धि से चलने वाली हो गई है, और इसके उनमें
विवेक विद्या का अध्ययन होता था, जो कि व्यक्ति अपने विवेक से स्वयं पे, जैसे कि एक शब्द आता है ब्राह्मण या पंडित, तो वहाँ पंडित कई जगह दशरथ जी को भी पंडित कहा गया रामचरितमानस में। और जो पंडित माने जो अच्छे और बुरे का विवेचन करके जो बताएं उन्हें पंडित कहा जाता था। एक विप्र अलग है, पंडित शब्द अलग है, तो जो अच्छा और बुरा दोनों को हमें जो ज्ञात करा सकते हैं उसे पंडित कहा जाता था। तो ऐसा ही इसमें विवेक शब्द जो आया है, तो जैसे कि रामचरितमानस में जब सती जी भगवान शिव से कहती हैं कि हम परीक्षा लेने के लिए जा रहे हैं राम जी की, तो वहां भी भगवान शिव ने उनसे बहुत अच्छा कहा है। उनने यही कहा था कि जेहि विधि जाहि मोहि भ्रम भारी और करहु जतन सु विवेक विचारी। उन्होंने ये कहा था कि सती आप जा तो रही हो लेकिन यहाँ बुद्धि से काम मत लेना, वहां विवेक से परीक्षा लेना, वहां विवेक की आवश्यकता पड़ी। और उन्होंने वहां विवेक से काम नहीं लिया, वहां बुद्धि से काम लिया था, तो उसका उनको बहुत बुरा परिणाम भोगना पड़ा। ऐसा ही आज जब हमने हिंदू सनातन में देखा गया, तो उस टाइम आज से जैसे कि 1862 में एक बताते हैं कि एक लॉर्ड मैकाले आए, तो उन्होंने ही पहला क्रिश्चियन स्कूल कोलकाता में खुला। तो हमारी भारत की परंपरा उस टाइम 7 लाख कुछ विद्यालय होते थे, गुरुकुल हुआ करते थे, लेकिन आज वो सब हीनता की ओर हो गए हैं, क्योंकि उन्होंने बुद्धि का प्रचार किया है यहाँ का, वहां से विवेक का नाश होता चला गया है। और विवेक जो है, जब तक विवेक माने क्या होता है कि एक जैसे कि रामकृष्ण परमहंस जी की एक बात आती है, तो उसमें किसी सेठ एक गए हैं नगर सेठ उनके पास, तो उन्होंने कहा कि स्वामी जी हमने सुना है आपको शक्ति दुर्गा जी की सिद्धि प्राप्त है, दुर्गा जी आपको दर्शन देती हैं। तो उन्होंने कहा हाँ हमको दुर्गा जी दर्शन देती हैं, तो क्योंकि आप उनसे बात भी करते हैं, तो उन्होंने कहा बिल्कुल बात करते हैं। तो वह सेठ बोले कि ऐसा करना, अगली बार जब भी दुर्गा जी आपके पास आए तो उनसे कहना कि हमारे पास भी थोड़ा आ जाए, हमारे घर आ जाए। तो उन्होंने कहा ठीक है हम बिल्कुल कहेंगे, लेकिन आप ये बताइए आपका घर कहाँ है, अर्थात आप कहाँ हैं। तो उन्होंने कहा कि फलानी गली में फलानी जगह मेरा ऑफिस है। तो उन्होंने कहा था वो तो आपका ऑफिस है लेकिन आप कहाँ हैं, आप कौन है, पहले आपका अपना परिचय दें। तो उन्होंने बताया कि फलानी जगह मेरा घर है। तो उन्होंने कहा वो आपका घर है लेकिन आप कहाँ हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं शरीर में हूँ, तो ये आपका शरीर है लेकिन आप कहाँ हैं, तो शरीर में अब आत्मा कहाँ है। ये विवेक की बात है और बुद्धि की बात जहां तक है, और जहां तक बुद्धि पे हम लोग चलते हैं तो बुद्धि से सिर्फ आती है किसी ना किसी की आधीनता। यदि हम बुद्धि से कोई निर्णय लेते हैं तो वो किसी ना किसी की आधीनता, और जहां विवेक की बात आती है तो विवेक से व्यक्ति स्वयं को एक उत्तेजित करता है, स्वयं को पहचान सकता है, अर्थात ईश्वर से जुड़ सकता है। ये विवेक की बात होती है। और पहले जब हमारे गुरुकुलों में यही सिखाया जाता था कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सभी के लिए गुरुकुल हुआ करते थे, तो मैकाले ने यही तो विचार, मैकाले के पास यही तो प्रश्न आया था कि भारत को हमने 300 वर्ष गुलामी की जंजीरियों में जकड़ के रखा, और आज भारत में फिर भी कोई ना कोई क्रांति भी ऐसा उत्पन्न हो जाता है जो कि देशभक्ति के लिए अपनी जान देने को तैयार हो जाता है, ऐसा कौन सा भारत में बीज बुआ है। तो जब मैकाले भारत आए तो उन्होंने देखा कि यहाँ के जो गुरुकुल हैं वो सबसे पहले स्तंभ है। तो उन्होंने बताया कि वहां के गुरुकुलों में किसी की चाकरी नहीं सिखाई जाती है, वहां के गुरुकुलों में यही सिखाया जाता है कि पहले नंबर अपने देश के लिए, अपने धर्म के लिए, अपने जीवन साधनों के लिए किस तरह से उपार्जन किया जाए। तो वहां संयम सिखाया जाता था उन गुरुकुलों में, वहां शिक्षा दी जाती थी कि देश हमारा क्या चीज है, ये जमी हमारी क्या चीज है, ये भूमि हमारी क्या चीज है, इन सब का जो विवेचन हुआ करता था उन गुरुकुलों में सिखाया जाता था। वहां बताया जाता था कि वृक्ष हमारे जीवन के लिए कितने अनुकूल हैं, वृक्ष क्यों होना चाहिए और वृक्षों में भी कौन कौन से वृक्ष होना चाहिए, जैसे कि बड़ है, पीपल है, इन वृक्षों की क्या आवश्यकता है आज धराधाम पर। क्योंकि उस टाइम पे जब वृक्ष होते थे तो वृक्षों से ऐसी ऊर्जा मिलती है हमारे यहाँ, जो कि ऊर्जा संसार विकास जो है, विवेक जिसे हम कहें, क्योंकि विवेक मस्तक से पैदा होता है और बुद्धि बुद्धि पुस्तकों से पैदा होती है। तो पुस्तक सिर्फ हमको बता सकती है
जैसे कि एक आज गूगल में मैप्स चल रहा है, तो मैप्स में आप देख सकते हैं कि फलानी जगह से फलाने किलोमीटर दूर फलाना शहर है, लेकिन पहुंच नहीं सकते हैं, मैप्स पर सिर्फ देख सकते हैं। पहुंचेंगे तो जब ही जब हम स्वयं जाकर वहां तक पहुंचेंगे, अर्थात किसी साधन से यात्रा करेंगे। तो ऐसी ही यदि हमारी वृक्ष और वो पदोन्नति, वो संस्कृति, इन चीजें, इनके रहने से हमारा वो विवेक की वो ऊर्जा प्रदान होती थी, जिस ऊर्जा से हम वहां तक पहुंच सकते थे, एक दूसरे की पहचान होती थी। पहले ये सब सैटेलाइट नहीं थे, हमारे गुरुकुलों में हमारे ऋषि मुनियों ने हमारे लिए विज्ञान पढ़ाई है। वैदिक परंपरा में विज्ञान आता था, वैदिक परंपरा में यहाँ तक कि शरीर के ऊपर भी पढ़ाया जाता था, डॉक्टरी भी पढ़ाई जाती थी, जो औषधियां बताई जाती थी। आज 50 साल पहले हमारी औषधियों की, हमारे वृक्षों की, हमारी संस्कृति की हंसी हुआ करती थी, लेकिन आज पुनः से उसी संस्कृति की ओर दौड़ रहे हैं। जैसे कि गाय की रक्षा, वृक्षों की रक्षा, ये हमारी संस्कृति में ना पहले बताया गया था, गुरुकुलों में बताया जाता था, हमारे वेद पुराणों में बताया गया है, लेकिन आज हम लोग उन्हीं से दूर होते जा रहे हैं। दिल्ली जैसे शहर में यदि अपन देखते हैं, अर्थात भोपाल, दिल्ली, इंदौर, बड़े बड़े शहर जहाँ है, जहाँ जंगल हट दिए गए हैं, सरकारों ने अपनी सुविधा के लिए, भौतिकता के लिए, उन जड़ जीवन जो ऊर्जा देने वाले थे, जो 24 घंटा ऊर्जा प्रदान कर रहे, उन चीजों को नष्ट कर दिया है। तो उससे यही हानि हुई है। क्या दिल्ली में कोई भी वाहन नहीं चल पा रहे हैं, प्रदूषण काफी हो रहा है, जिसमें कि हमारे त्योहारों को आज बनाया जा रहा है कि भाई दीपावली है, पटाखा ना चलाओ। अरे भाई, उन वृक्षों को क्यों आपने सजो के नहीं रखा? आज हर प्रत्येक व्यक्ति कहे, एक मन में विचार आता है कि भाई वृक्ष लगाओ, वृक्ष लगाओ। काश कहीं ये वृक्ष आप पहले से ही बने रहते, तो हो सकता था कि आज ये कंडीशन हमारे यहाँ नहीं आती, लेकिन इन लोगों ने हटा दिए। और वैदिक परंपराओं में यही सब पढ़ाया जाता था। आज देखिए, आज वृक्षों की छाल, बीज, यहाँ तक कि जो पुआर है, वह भी बिक रहा है। कारण, क्योंकि आज चाहे सरकार हो या कोई व्यक्ति विशेष हो, अर्थात कोई एजुकेशन वाले व्यक्ति हैं, तो सभी लोग आज आधारित हो गए हैं पुरानी संस्कृति पे। आज उसकी जागृति पुनः चाहते हैं। खेती में भी किसान यदि करते हैं, तो उस टाइम हमारे दादे परदादा जब रहते थे, जब लाखों से एक ऐसे जीवाणु पाए जाते थे जो कि पौष्टिकता देते थे जमीन के लिए, लेकिन हमने ये सब केमिकल युक्त खेती कर करके उपार्जन ज्यादा चाहने की आशा में वो सब नष्ट कर लिए। आज यदि देखा जाए तो उपार्जन भी नहीं हो रहा है, फसल भी नहीं कर पा रहे हैं, और जमीन को नाश कर चुके हैं। कारण, उस संस्कृति से हट गए हम लोग, उसकी जागृति नहीं है, वो वृक्ष नहीं बचे, वो चीज नहीं बची। तो ये था, तो यही मैं काले, यही सर्च करके यहाँ से गया था, और मैं काले ने वहां जाकर यही कहा था कि जब तक भारत में गुरुकुल हैं, जब तक तुम भारत को गुलाम नहीं बना सकते। तो उन्होंने पहला कॉन्वेंट स्कूल कोलकाता के अंदर सन 1862 में खोला था। तो उसमें उन्होंने बड़े बड़े धनाढ्य लोगों के बच्चों के लिए फ्री में, माने कि बुला बुला के, घर से उठा उठा के लाते थे कि हमारे पास पहुंचाइए, हम शिक्षण करेंगे, हम प्रशिक्षण करेंगे। और उन्हें पढ़ाया, कौन सी पढ़ाई पढ़ाई? ये आधुनिक बुद्धि वाली। और आज भी ये कोई भी विज्ञान आज तक ऐसा विज्ञान नहीं बना पाया जो कि विज्ञान हमको कहीं बता सके, कोई चीज बता सके। आज विज्ञान देखते हैं अरबों खरबों के रुपया इन्वेस्टमेंट करके बता पाते हैं कि सूर्य पे कितना ग्रहण पड़ रहा है, अर्थात कुछ भी, लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने तो एक संकल्प मात्र से ही बता दिया था। आज हम और तुम हमारी भारतीय संस्कृति में जब पूजन करते हैं, कोई भी शुभ कर्म करते हैं, उसके पहले हम संकल्प करते हैं, तो संकल्प में वही तो मैप्स चलता है, जो आज हम लोग मैप्स को खोजते फिर रहे हैं। जैसे कि विष्णु 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 की सृष्टि की उत्पत्ति कहाँ से हुई, श्रीमद भगवतो महापुरुषस्य विष्णु राज्ञा पर्वत मानस्य आदि श्री ब्राह्मणोन्नी, कौन सा प्रारध के द्वितीय प्रारध 12 कल्पे वैवस्व मंत्रे अष्टाविंशतमे कलियुगे कलि प्रथम चरण, ये कलियुग चल रहा है, कलियुग का प्रथम चरण चल रहा है, कलियुगे कलि प्रथम चरणे, और भूमि, नक्षत्र, यहाँ तक कि तिथि, बार, नक्षत्र, और मैं स्वयं, हमारे पिता, हमारा गोत्र, और मैं किस जगह पे, मंदिर में या नदी तट पर या गंगा किनारे कहाँ बैठकर उस कौन सा शुभ कार्य कर रहा हूँ। ये हमारा संकल्प वो जो पुरातन से चला आ रहा, जो सनातन से चला आ रहा है, वो वही मैप से है कि हम डायरेक्ट ईश्वर को
बुला रहे हैं और अपने से जुड़ रहे हैं कि हम फलानी जगह बैठे हैं और ईश्वर हम आए कहाँ से, आपके यहाँ से आए हुए हैं, तो ऐसा करके मैं ये शुभ कार्य आपके लिए कर रहा हूँ, ये संकल्प हमारे बताते थे। लेकिन आज वो चीजें हटा दी गई हैं, जब से ये सब स्कूल आए हैं जिसे इंग्लिश मीडियम भी कह सकते हैं अर्थात क्रिश्चियन भी कह सकते हैं, तो उन्होंने क्या दिया है हमारे लिए? उन्होंने ये सिर्फ हम जैसे धरती को माँ कहते हैं, लेकिन उन्होंने इस धरती को रनवे बताया कि रनवे है, यहाँ आइए कुछ समय रुकिए और फिर चले जाइए। यहाँ तक कि हमने सूर्य को देवता बनना बताया था, लेकिन उन्होंने क्या बताया, सन, और सन एक पुत्र को भी कहते हैं। तो इस तरह से हमारी संस्कृति की जो काट हुई है और इस पे हमारी सरकारों ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। उस टाइम जैसे ही मैकाले आया था, तो जैसे ही हमारा देश आजाद हुआ था, तो देश आजाद तो हुआ, सिर्फ आजाद ही देश को कहा गया है, लेकिन आजादी को देखा नहीं गया। हमारी संस्कृति का जितना भी नुकसान हुआ है उसको पुनः से जीवित नहीं कर रहे हैं। ये शासन की बहुत बड़ी ढील है और इसका परिणाम हम लोग आज भोग रहे हैं। यदि देखा जाए उस समय से आज के समय में खान पान जीवनचर्या हमारी कितनी विपरीत हो गई है, तो यहाँ एक बुद्धि और विवेक की काम यही आते हैं। बुद्धि में सिर्फ तुम ये सोच रहे हो कि आगे कैसे देश बढ़े, लेकिन ये कृषक देश हमारा है, हमारा यदि देश कहें तो कृषक देश है, इसमें फल फूलों से ही हम लोगों ने जीवन यापन करते थे कुछ समय। आज वो फल फूल नहीं बचे हैं, वो फल फूल नष्ट हो गए हैं, जो ऊर्जा प्रद वृक्ष रहे उनको तुमने नष्ट करवा दिया है। आज जैसे कि भोपाल में जो वृक्ष बरगद के आदि वृक्ष काटे जा रहे हैं वो कोई ठीक नहीं है, वो सरकार के लिए एक तरह से विचारणीय विषय है कि बरगद जैसा पेड़ जो 24 घंटा टनों से ऊर्जा आपको प्राप्त करवा रहा है, आप यदि जाते हैं और एक ऑक्सीजन में जाकर लेटते हैं तो लाखों रुपए का ऑक्सीजन आपके लिए पड़ता है, लेकिन उन वृक्षों में ऐसा ऑक्सीजन है वो टनों से एक ऑक्सीजन सेकंडों में आपके लिए प्रदान कर रहे हैं। उन वृक्षों के साथ ये घात करने के मतलब ये है कि आप अपने आने वाली पीढ़ी के साथ घात कर रहे हैं, आप अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए ऐसा संकट पैदा कर रहे हैं कि उनको ऑक्सीजन मोल भाव भी नहीं मिलेगा। आप यदि रुपयों से खरीदना चाहेंगे तो भी ऑक्सीजन आप नहीं दे सकते। ये बहुत बड़ी विवेक की बात है, जैसे कि रामचरितमानस में आया कि बिनु सत्संग विवेक ना हो। आज की लोगों के लिए सत्संग करना चाहिए, लेकिन किन लोगों से सत्संग करना चाहिए, ये बहुत बड़ी विवेक की बात है। जो लोग पुराणों से निकले हुए हैं, जिन लोगों ने इस धरती को एक अलग बना के प्रकाशित किया है, ये वसुंधरा के लिए भारत बनाया है, इसको आर्यवर्त से लेकर भारत को बनाया है, इसे सोने की चिड़िया बनाई है, वो गुरुकुलों ने बनाई थी, ना कि आज की शासन प्रशासन ने। और ऐसे ही महान संतों के, महान विद्वानों के, जो हमारे ब्राह्मण हैं, जो हमारे विद्वान जन हैं, उनसे विवेक, उनसे ही विचार करना चाहिए। आज तक यदि धर्म ग्रंथ कोई भी हम उठा के पढ़ते हैं तो उसमें यही रहता था, कोई भी ब्राह्मण, कोई भी ऋषि आज तक राजा नहीं बने, उन्होंने मार्गदर्शन लिया। जैसे कि भगवान के लिए जब राजगद्दी दी गई थी, अर्थात राम को जब राज्याभिषेक किया गया था, अर्थात परीक्षित को जब राज्याभिषेक किया गया था, तो परीक्षित के आगे भी यही प्रश्न रखे गए थे श्रीमद् भागवत के अनुसार कि मैं आज राजा बन गया हूं, जो मैं स्वयं निर्णय लूंगा वही सर्वमान्य होगा, जो मैं कहूंगा वही निर्णय है, सर्वोपरि माना जाएगा। लेकिन वहां गुरु ने उठ के कह दिया था कि राजन, यदि आप धर्म के विरुद्ध करोगे तो आप गुरु दंड दे सकता है, आप ऋषि दंड दे सकता है, आप धर्म दंड दे सकता है, और महाराज परीक्षित को धर्म ने ही दंड दिया था। तो ये पहले शासन चलाना यही रहता था, ऋषियों के समक्ष होकर के, गुरुओं के समक्ष होकर के, राजपुरोहितों के समक्ष होकर के हम लोगों की ये राज्य चलते थे। लेकिन आज यदि राज्य में देखेंगे हम और विचार करेंगे तो कोई संत ऐसा नहीं है जिसके अनुकरण से शासन चल रही हो, शासन अपने मनोमंथन से चल रही है और विवेक से नहीं, आज की शासन बुद्धि से चल रही है, इसलिए हम लोग बहुत पीछे चले जा रहे हैं। आज का यदि जीवन में कोई भी, चाहे वो राजनेता हो अर्थात कोई भी व्यक्ति हो, यदि अपने बच्चों के लिए कुछ पढ़ाया जा रहा है तो सिर्फ यही पढ़ाया जा रहा है कि किसी ना किसी की चाकरी, जबकि हमारे गुरुकुलों में चाकरी नहीं पढ़ाई जाती थी, हमारे गुरुकुलों के लिए उत्थान बनाया जाता था, अपने स्वयं के जीवन अर्थात आपसे जो मिलेगा उसका भी जीवन सार्थक होगा,
जो आपके समक्ष रहेगा उसका जीवन भी किस तरह से सार्थक बनाओगे वो आपको पढ़ाया जाता था। आपके लिए धर्म पढ़ाया जाता था कि माता पिता क्या है, प्रकृति क्या चीज है। यहाँ तक कि हमारे कवियों ने कहे तो उन्होंने तो बादलों से भी मैसेज भेजे हैं। आज इंटरनेट का जमाना है तो क्या हुआ, वो तो बादलों पे, जबकि बादल तो एक ऐसे हैं कि जहां हवा चली वहीं फट जाना है। उन्होंने तो नदी के प्रभाव से मैसेज भेजे हैं, उन्होंने अपनी वाणी से मैसेज भेजे हैं, उन्होंने अपने, ये सब क्या था, ये विज्ञान था, ये बहुत गूढ़ विज्ञान है। आज का विज्ञान कितने ही यत्न प्रयत्न कर ले, हमारे जो वेदोक्त ज्ञान है, जो वैदिक परंपरा में विज्ञान है, उस विज्ञान की छोटी सी भी अंश मात्र ये लोग छू नहीं सकते हैं, इतना वहां विज्ञान था। पहले के ऋषि मुनि जो अपने ध्यान योग से दूसरी जगह संकेत पहुंचाते थे, अर्थात दूसरे की मन की भावना समझ जाते थे, सिर्फ किस चीज से, क्योंकि उनके अंदर एक विवेक था, वो विवेक अपने शरीर में लाते थे। और शरीर, जैसे कि शरीर और आत्मा में अंतर है ये सब जानते हैं कि शरीर नाशवान है, इसका नाश होना है, आत्मा अजर है, अमर है, ना गलती है, ना जलती है, ना बहती है, ये सब जानते हैं, लेकिन उसमें मानता कोई नहीं है। एक इसके लिए छोटा सा एक उदाहरण आता है, महाभारत काल में दुर्योधन, तो भगवान श्री कृष्ण जब दुर्योधन के पास पहुंचे और दुर्योधन से कहा कि दुर्योधन तुम इन लोगों के लिए 100 गांव पांडवों के लिए दे दो। दुर्योधन ने कहा भगवान मैं नहीं दे सकता 100 गांव। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, 100 गांव की आपकी नहीं है क्या, तो आप 5 गांव सिर्फ इनके लिए दीजिए। दुर्योधन कहने लगा महाराज मैं 5 भी नहीं दूंगा। तो भगवान कहते हैं भाई आखिर के ऐसा क्या है कि 5 भी नहीं दे सकते हैं? तो दुर्योधन ने यही कहा था कि भगवान मुझ में और पांडवों में अंतर कुछ भी नहीं है, जैसा जिस गुरुकुल में मैं पढ़ा हूं उसी गुरुकुल में पांडव पड़े हुए हैं, जिस राज्य का अन्न धन मैंने खाया उसी राज्य का अन्न धन उन्होंने खाया है। लेकिन भगवान बात इतनी है कि अहम धर्मोसि जानामि, मैं धर्म को जानता हूं लेकिन ना हम प्रवृत्ति, मेरी प्रवृत्ति में नहीं है। तो ऐसे ही आज की सरकार है, विद्वानों को मान तो रही है, संतों को पूजती रही है, वृक्ष लगवा तो रही है, लेकिन उन पे अनुकरण नहीं कर रहे। वो जानते तो हैं कि वृक्ष कितना हमारी लाभकारी है, अर्थात हमारी सृष्टि का एक और पुनः स्थापन करने वाले वृक्ष हैं, जो कि हमारे विवेक के लिए जागृति देने वाले एक वृक्ष हैं। ये जानती है वृक्षारोपण करवा रही है लेकिन उनकी सुरक्षा नहीं करके जानती, ये सबसे बड़ी आ रही है। क्योंकि आज के हमारे जो देश को चला रहे हैं वह सम्माननीय है सब, और सभी का हम आदर करते हैं, लेकिन वहां विवेक से यदि काम लिया जाए, जैसे कि हमारे पुराने जो वृक्ष हैं उनको जो मिटा रहे हैं, हमारे गुरुकुल हैं उन पे जो मिटते चले जा रहे हैं, जो एक आज बुद्धि का आ रहा है, जो एक आज किसी की चाकरी का, अर्थात किसी गुलामी की जंजीरों में जकड़े जा रहे हैं, जैसे कि कोई एजुकेशन व्यक्ति किसी एक ना समझ के भी बस में है, ये गुलामी की जंजीरें में जकड़ा जा रहा है। आज जहाँ का नए युवक जितने भी हमारे भारत भूमि के हैं उनके लिए तो जंजीरों में जकड़ लिया गया है, लेकिन आने वाली पीढ़ी क्या करेगी। आज यदि कोई भी चीज है सिर्फ रुपया के महत्व से चली जा रही है, सिर्फ रुपया को अहमियत दे रही है, तो हमको ये चाहिए और आज की जागृति हमको ये करना चाहिए कि स्वयं को जगाएं, पहले नंबर अपने आप को जगाएं, और यहाँ तक कि सरकार को भी इन लोगों से मनोमंथन करना चाहिए, जो हमारे धर्म प्रचारक हैं, जो हमारे विशिष्ट हैं, जो हमारे संत महापुरुष हैं, जो हमारे ब्राह्मण वेदित ब्राह्मण हैं, जिन्होंने वेद में अपना जीवन जिया है, उन लोगों से परामर्श लेना आज के लिए बहुत सार्थक है। और इसी के लिए हम यदि रामचरितमानस में पुनः आए तो विवेक कहें, विवेक और बुद्धि, बुद्धि यानी किसी की चाकरी, किसी की गुलामी, किसी की जंजीरों में जकड़ा जकड़ना, ये बुद्धि का काम है, और विवेक का काम यह है कि हम स्वयं जागृत हों, हमारी संस्कृति जागृत हो, हमारे नक्षत्र जागृत हों, हमारे पक्ष जागृत हों, हमारे सप्ताह के दिन जागृत हों, हम स्वयं जागृत हों, यहाँ तक कि हमारे सम्मद और सन भी जागृत हों, तो ये कहाँ से होंगे। ये सिर्फ और सिर्फ धर्म की रक्षा अर्थात वेदव्यक्त अर्थात वैदिक परंपरा से ही पुनः ये जीवित होंगे, क्योंकि इन वृक्षों ने हमारे लिए जीवन में बहुत कुछ दिया है। वृक्षों ने ये हमको बताया है कि वृक्ष कितना चाहता है, वृक्ष से हमको क्या शिक्षा मिलती है,
वृक्ष ने जीवन में सबको दिया ही दिया है। वृक्ष कभी किसी से कुछ लेता है, वृक्ष कभी ना फल भके, सरिता भके न नीर, इस तरह से ऐसे दोहा कहे गए हैं। संत बिटप सरिता गिर धनी, परहित हेत इन्हन की करनी। जिन्होंने अपना जीवन परहित में दिया है, इन वृक्षों ने फल है तो मनुष्य को दिया है, इसकी ऊष्मा है मनुष्य को दी है, इससे बना बनाई हुई प्रकृति में ऑक्सीजन जैसे हम कहें वो दिया ही तो है। वृक्षों ने आज तक लिया किसी से कुछ नहीं है, लेकिन यदि वृक्ष देखिए तो जो वृक्ष फलदार होता है उसने नवन बताई है, वो व्यक्ति के लिए बताया गया है कि आप पे यदि कोई पद है या कोई प्रतिष्ठा है तो आप भी झुकिए, ना कि अभिमान में खड़े होइए। एक छोटा सा अंकुर भी हमारे जीवन में बहुत कुछ सिखा के जाता है, क्योंकि एक छोटा सा अंकुर जो है उस पर तूफान जब आता है तो वह उस समय झुक जाता है, वो पुनः से फिर अपने स्थान पर खड़ा हो जाता है, लेकिन एक कड़क जो वृक्ष है वो खड़ा रहता है, लेकिन जब तूफान आता है तो ढह जाता है। तो ऐसे ही हमारी जो विवेक और बुद्धि की आज बात आई कि बिन सत्संग विवेक ना होई, तो मैं यही चाहूंगा कि आज प्रत्येक व्यक्ति के लिए सत्संग से जुड़ना चाहिए, ना कि लौकिकता के सत्संग से जो हमारे वैदिक परंपरा में चले आ रहे हैं, जो ऋषि मुनियों से हमारी चली आ रही है, उन चर्चाओं को यदि रखें हम लोग, उन पे यदि विचार करें, उन वृक्षों पे, उन पुष्पों पे, उन ग्रह पे, उन नक्षत्रों पे, उन तिथियों पे, कि कौन सी तिथि का क्या महत्व है, कौन से वृक्ष का क्या महत्व है, किस नक्षत्र का क्या महत्व है। भाई कुंडली दिखाने के लिए तो हम बहुत जल्दी शीघ्रता से जाते हैं किसी पंडित के पास के महाराज हमारा नक्षत्र कैसे चल रहा है, अर्थात हम पे कौन से ग्रह लगे हैं, लेकिन वो ग्रह जब तक ही काम आते हैं, जब तक हमारे ऊपर किसी का अनुग्रह नहीं है। नव ग्रह के ऊपर एक और दशमक ग्रह है, वो है ठाकुर जी का अनुग्रह। क्या बात, यदि भगवान का अनुग्रह हमारे पास है तो फिर नौ ग्रह कोई काम के नहीं है। तो ऐसे ही बताया गया है कि जिसने अपने वर्तमान को सहज लिया तो उसे अपने भविष्य की चिंता नहीं है। जिसने हमारे वर्तमान को सुधार लिया वो भविष्य की चिंता नहीं है उसे। जिसका वर्तमान सही है उसका भविष्य तो भविष्य बहुत ही अच्छा जाएगा, किसी से दिखवाने की आवश्यकता नहीं है, वो स्वयं देख सकते हैं, वो स्वयं बता सकते हैं कि मेरा वर्तमान कैसा गया है, अच्छा गया तो मेरा भविष्य की आज की यही है। वर्तमान में यदि विवेक की आवश्यकता ही है, और ये राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, और राम की कृपा कहाँ से आती है, ब्राह्मणोश्य मुखमाशीर बाहुराजन्ना, क्योंकि बिन हरि कृपा मिलई नहीं संता। आज हम लोगों के लिए उन वैदिक ब्राह्मणों की आवश्यकता है, उन जागृत महापुरुषों की आवश्यकता है, जैसे कि स्वामी विवेकानंद जी जागृत महापुरुष हुए, जिन्होंने एक मार्गदर्शक बने। और आज भी जीवन में यदि हम लोग चाहें तो एक कोई व्यक्ति कोई छोटे सा किस्सा या कहानी बनकर रह सकता है, कोई एक व्यक्ति अपनी जीवनचर्या से किसी के लिए उपदेश बन सकता है, कोई एक ग्रंथ बन सकता है, कोई एक पुरुष बहुत बड़ा महापुराण भी बन सकता है। और मैं तो पुनः से यही कहूंगा कि आज के इस काल में यदि देखा जाए तो वृक्षों पर और अपनी जीवनचर्या पर, अर्थात अपने खान पान पर और अर्थात अपने विवेक पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। क्या हमको खाना है, क्या आहार है, कैसा आहार रहे, इन सब चीजों पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। और पर्यावरण को बचाएंगे, यदि हमारी संस्कृति को बचानी है तो वृक्ष को बचाना आवश्यकता है, और वृक्ष को बचाना है तो जल को बचाना आवश्यक है, और जल को भी बचाना है तो हमें अपने आप में सचेत होने की आवश्यकता है। आज हम यदि हमारा वर्तमान सुधारेंगे तो हम अपने भविष्य के लिए कुछ दे सकते हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राधे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो आदरणीय दो बातें हैं, और आदरणीय राकेश जी आपके सामने एक ये प्रश्न है जी। आज आप देखिए कि किसी शहर के किसी रेस्टोरेंट या हुक्का बार में दो लड़कियां अगर पकड़ाई जाती हैं जी, तो उसके ऊपर पूरे समाज में जितना हाहाकार मचता है, और उसी की तुलना में कहीं बरगद नीम पीपल काट करके और जो है खजूर और पाम के ट्रीज लगा दिए जाते हैं, आपका हमारा पूरा समाज बिल्कुल ऐसे रहता है कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। ये एक
ऐसा प्रश्न है जो प्रमाणित करता है कि हमारे समाज में सत्संग की कमी नहीं, सत्संग विलुप्त हो गया है। और मैं आपको एक तरीके से आपको आह्वान करता हूं आपका कि आदरणीय युवराज जी महाराज और आपके संपर्क में जितने वैदिक परंपरा को मानने वाले ज्ञानवान महापुरुष महामंडलेश्वर और गुरुजन हैं, क्यों नहीं सबको मिलकर के एक सत्संग, पहले तो ये हो कि जल जंगल जमीन की जो हमारी वैदिक महत्वता है उसको बचाने के लिए हम सरकार को से कब तक गुहार लगाते रहेंगे, हम कब तक अंग्रेजों और मकाउले को गरियाते रहेंगे, हम खुद कर्म की दिशा में आगे कब बढ़ना शुरू करेंगे, इन विषयों के ऊपर एक सत्संग सबसे पहले क्यों ना हो। मैं आपका इस पे आह्वान करता हूँ, आदरणीय मार्गदर्शन दें और इसमें कर्म के माध्यम से आगे चलें। अब चर्चाएं बहुत हो गई। नमस्कार, बहुत अच्छी बात आज युवराज जी ने भी बोली और हमारे शोध प्रमुख रितेश जी ने भी। निश्चित है कि अब हमारे लिए आगे बढ़ना होगा, उस ज्ञान परंपरा को यदि आगे बढ़ाना है। और जो स्थितियां आज की हम देख रहे हैं, आज हमारे भोपाल के यदि अखबार देखेंगे ना तो पूरे अखबार इसी बात से छाए हुए होंगे बहुत कि कितने पेड़, 6000 पेड़ काटे गए उसके बदले में लगाया क्या पर्यावरण। यदि पर्यावरण इस तरीके से खत्म होगा तो निश्चित है कि हमारा भोपाल भी उसी जैसा दिल्ली दूषित हो चुका है, इसी तरीके से हमारा भोपाल भी हो जाएगा। नहीं आदरणीय, ये पर्यावरण नहीं, ये हमारे सनातन धर्म के मूल्यों के ऊपर आघात है। बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ और इसी परंपरा को लेकर और इस पर यदि आघात हो रहा है तो इसको कैसे रोका जा सकता है, इसलिए हमने इस परंपरा को शुरू किया है कि निश्चित ही हम ऐसे ज्ञानवान लोगों का, ऐसे विद्युत जनों के साथ सत्संग करके और शासन को भी इनके माध्यम से ही चेताया जाए। उन्हें इस चीज के लिए तभी रख सकते हैं जब हमारे सत्संग होंगे और सत्संगों के माध्यम से हम शासन को भी इस संबंध में बता सकते हैं और उसको लागू कर सकते हैं। आज हमारे बीच में आदरणीय युवराज जी, जी 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 आदरणीय, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, आखिरी सेंटेंस आपका ले लेते हैं और उसके बाद जो है फिर इसको मुझे लगता है युवराज जी हमें आपके माध्यम से भी, आपकी मदद और सहयोग से भी हमें एक अच्छा सत्संग बहुत जल्दी करने की जरूरत है ताकि हम मिलकर मंदिरों मठों के माध्यम से गुरुओं के माध्यम से अब कर्म प्रधान दिशा में आगे बढ़ें, क्योंकि अब मेरे ख्याल से अब कब तक विलाप करते रहेंगे हम लोग, ये तो नुकसान ह्रास होता ही चला जाएगा, वर्तमान भी जा रहा है और भविष्य भी जा रहा है। जी, इसमें हम शीघ्रता से, और हम तो यही जो आपने कहा उसके लिए मैं सदैव तत्पर भी हूँ, और हम ये चाहेंगे कि आज जो हम एक इंटरनेट के माध्यम से एक जगह एकत्रित हुए हैं, लेकिन हर वक्त एकत्रित नहीं हो सकते हैं, तो मैं तो यही कहूंगा कि कर्म प्रधान विश्व कर ही राखा, और जो जस करें तो तत्फल जाखा। तो हम जहां जहां भी हैं और जिस विषय पे हम लोग आज विषय रख रहे हैं उसका हम विषय, एक अच्छी बात है विषय होना अनिवार्य है, और साप्ताहिक जो हमारा ये विषय रखा जाता है ये बहुत ही सुंदर है और इसको रखा जाए, इसको भी हमें बढ़ाया जाए। लेकिन जिस जगह पर हम वर्तमान में बैठे हुए हैं, अर्थात जो हमारी कर्म भूमि वर्तमान में है, वहां पर से इसकी स्थापन आरंभ की जाए। और इसके लिए मैं नहीं चाहूंगा कि आपका आना यहाँ हो, अर्थात मेरा आना वहां हो, या 4 लोगों को और एकत्रित किया जाए, इसके लिए किसी एक की ही आवश्यकता रहती है। क्यों कि पहले नंबर किसी एक बीज का ही आवाहन होता है, उसी बीज से एक वृक्ष बनता है, उसी में से अनेकों तना बनते हैं, उसी के लाखों फल बनते हैं, फूल बनते हैं, इससे और वो विकसित होता है। तो मैं तो यही चाहूंगा कि मैं मेरे यहाँ से कर्म को आरंभ करूं, आप अपने यहाँ से आरंभ करिए, और मैं चाहूंगा कि एक दिन वहां से आपकी जड़ और यहाँ से मेरी जड़ किसी दिन एक स्तंभ बन के तैयार होगी। बहुत बढ़िया, इसको आदरणीय राकेश जी भाई साहब इसको जल्दी से कर लेते हैं और जी 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 ठीक है, इस दिशा में आगे बढ़ जाते हैं। 1 मिनट बचा है, कंक्लूड कर लेते हैं। अगला
जी, अगला कार्यक्रम अपना वैसे भी अब उज्जैन में फिर निर्धारित हो चुका है। जिस तरीके से जगत गुरु श्री कांताचार्य जी महाराज जी ने अपने यहाँ सभी के लिए आमंत्रित किया है, तो अगला आयोजन हमारा उज्जैन में फिर होगा और उसमें हम चाहेंगे कि हमारे मलारगढ़ के महामंडलेश्वर जी भी उपस्थित रहें, युवराज जी भी रहें और जहां जहां से लोग उसमें संत महात्मा लोग वहां पर उपस्थित हो सकते हैं उसमें रहें और इसको हम उसी उज्जैन के नगरी महाकाल से इसको और आगे बढ़ाए। जी बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री राम।